हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहां मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है राजस्थान से। राजस्थान में हाल ही में ऑयल की डिस्कवरी हुई है, तेल की खोज हुई है। विस्तार से समझेंगे कहां पर ये ऑयल की डिस्कवरी हुई है, क्या इसके मायने हैं और किस तरीके से इसे लाभ जो है वो आम नागरिक को मिल सकता है। राजस्थान स्टेट एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज studyiq.com या studyiq की ऐप पर मौजूद है। इन कोर्सेज की मदद से आप राजस्थान स्टेट के अंदर सभी एग्जाम्स की तैयारी जो है वो बहुत शानदार तरीके से कर पाएंगे और बहुत जल्दी इन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड SHUBH33, इस कोड में जरूर एनरोल कीजिएगा। इस कोड की मदद से आप मैसिव डिस्काउंट जो है वो सभी कोर्सेज पे प्राप्त कर पाएंगे। तो वेदांता ग्रुप जो कि माइनिंग एक्टिविटीज कैरी आउट करते हैं देश और दुनिया में, वेदांता ग्रुप की ही एक फर्म कायरन ऑयल एंड गैस कंपनी जो कि वेदांता ग्रुप से बिलोंग करती है, उन्होंने रिसेंटली तेल की खोज, ऑयल की डिस्कवरी जो है वो करी है। कहां पर? इन बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का बाड़मेर जिला। यहां पर वेदांता ग्रुप जो है इनकी सब्सिडरी फर्म कायन ऑयल एंड गैस कंपनी ने तेल की खोज करी है। यानी कि जिस तरीके से ऑयल की माइनिंग होती है, क्रूड ऑयल जिसे कहते हैं, जो कि काफी सारे एरियाज में हिंदुस्तान के अंदर होती है, वही ऑयल माइनिंग जो है वो अब राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में भी जो है उसकी मौजूदगी दर्ज की गई है। ये ब्लॉक वो है जिसको 2018 में ओपन एरिया लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत कायन ऑयल एंड गैस कंपनी को जो है वो दिया गया था। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये ओपन एरिया लाइसेंसिंग पॉलिसी क्या है, आप सभी जानते होंगे शायद, कि जहां कहीं भी पोटेंशियल हो सकता है कि यहां से किसी प्रकार के खनिज जो है वो निकलते हैं, चाहे क्रूड ऑयल हो या अन्य कोई मिनरल्स हो, वो एरियाज को सरकार जो है उन्हें ब्लॉक्स कहा जाता है। और वो ब्लॉक्स जो है वो सरकार ऑक्शन करती है, जिसमें प्राइवेट कंपनीज, निजी कंपनियां जो माइनिंग के क्षेत्र में काम करती हैं वो आकर के उन ब्लॉक्स के लिए ऑक्शन जो है वो उसमें हिस्सा बनती हैं और एक अमाउंट सरकार को पे करके वो ब्लॉक जो है उसको अपने लिए आवंटित करवा लेती हैं। फिर वहां से होने वाली माइनिंग जो है उसका लाभ इन कंपनीज को मिलता है। यानी कि माइनिंग एक्टिविटी को करने के लिए निजी कंपनियां जो है वो अहम भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा सरकार की ओन सब्सिडरीज है, ONGC है और बहुत सारी, कोल इंडिया लिमिटेड आदि, तो जो कि मिनरल्स, नेचुरल गैस और ऑयल आदि के क्षेत्र में एंगेज होती हैं। इसके साथ साथ प्राइवेट सब्सिडरीज है। तो वेदांता ग्रुप जो है ये एक प्राइवेट कंपनी है जिनको ये ब्लॉक एलोकेट हुआ था। 41 एरियाज जो है वो एलोकेट हुए थे अक्टूबर 2018 में इस कंपनी को। इस कंपनी के एक एलोकेटेड एरिया में ये ऑयल जो है इसकी मौजूदगी दर्ज की गई है। तो इसकी एक बड़ी खबर जो है, क्योंकि क्रूड ऑयल जो प्रेजेंट सिनेरियो है आप जानते हैं कितनी ज्यादा किल्लत, क्योंकि रशिया यूक्रेन क्राइसिस के कारण ग्लोबली ऑयल प्राइसेस जो है उस पर इंपैक्ट पड़ेगा, तो एक थोड़ा सा रिलीफ हो सकता है। लेकिन इसमें भी लंबा समय लगेगा क्योंकि प्रॉपर अप्रूवल्स आदि होंगे, उसके बाद मैकेनिज्म सेट किया जाएगा यहां से ड्रिलिंग करने का। लेकिन एक एडिशनल सोर्स ऑफ ऑयल जो है वो भारत को मिल गया है, जो लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं भारत के फेवर में जाएगा, क्योंकि इससे जो इंपोर्ट बिल है उसको कम करने में कुछ मदद मिल सकती है। तो कंपनी ने जो है वो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को इसकी जानकारी दी और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को भी इसके बारे में बताया कि इस तरीके की डिस्कवरी जो है और तेल की मौजूदगी जो है उस ब्लॉक में दर्ज की गई है, जो ब्लॉक उनको दिया गया था। ये ब्लॉक वो एरियाज होते हैं जहां पर पोटेंशियली सरकार को और प्राइवेट प्लेयर्स को लगता है कि यहां पर कोई मिनरल हो सकता है, ऑयल की मौजूदगी हो सकती है, कोल आदि हो सकता है। इस वजह से इन ब्लॉक्स को जो है वो ऑक्शन किया जाता है और प्राइवेट कंपनीज, निजी कंपनीज ऑक्शन का हिस्सा बनती हैं। उसी तरीके से ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है वो वेदांता ग्रुप को दिया गया था और उनको यहां पर ऑयल की डिस्कवरी जो है वो हुई है और उन्होंने इसकी जानकारी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन। कौन है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्या इनका काम होता है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो ये ब्लॉक जिसको नाम दिया गया था RJONHP2017/1, ये लोकेटेड है चौठान और गुड़ामलानी तहसील में, जो कि बाड़मेर जिले में आता है। बाड़मेर जिले का, राजस्थान में बाड़मेर जिला है जिसका एक तहसील है गुड़ामलानी। गुड़ामलानी में ये ब्लॉक है जहां पर ऑयल की डिस्कवरी हुई है। गुड़ामलानी तहसील हेडक्वार्टर से करीब करीब 12 मिनट की दूरी है, 7 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है।
वहां पर ये ब्लॉक जो है वो मौजूद है। इस ब्लॉक को नाम दिया गया है दुर्गा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का सवाल हमको किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दुर्गा टर्म वाज इन न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू। तो इस डिस्कवरी को जो कि बाड़मेर जिले के अंदर ऑयल की डिस्कवरी हुई है, इसको नाम दिया गया है दुर्गा। जो ब्लॉक्स एलोकेट हुए थे वेदांता ग्रुप को, उसके तहत ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत तीसरी ऐसी डिस्कवरी है, यानी कि जो ब्लॉक्स वेदांता ग्रुप को दिए गए थे उसमें तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि उनको इस तरीके की ऑयल की मौजूदगी जो है वो मिली है। ये ब्लॉक जो है इट इज हाईली क्लोज टू प्रोडक्टिव राजस्थान ब्लॉक विच प्रोड्यूसेस रफली 1,50,000 बैरल ऑफ ऑयल एंड गैस पर डे। राजस्थान के अंदर ऑयल और गैस की जो है वो माइनिंग होती है। तो राजस्थान का एक बहुत प्रोडक्टिव ब्लॉक है जहां पे करीब 1.5 लाख बैरल ऑयल और नेचुरल गैस जो है वो प्रतिदिन निकलता है। उसके करीब ये सोर्स जो है वो मौजूद होगा। अब ये एडिशनल सोर्स राजस्थान के अंदर होगा। ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है वो ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत, हमने बार बार ये नाम इस लेक्चर में लिया, ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत वेदांता ग्रुप को दिया गया था। तो ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी क्या है? ये दरअसल एक क्रूशियल पार्ट है हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी का। ये केंद्र सरकार द्वारा लाई गई पॉलिसी थी जिसके तहत हर वो एरिया जहां पे पोटेंशियल हो सकता है माइनिंग का, वहां पे हाइड्रोकार्बन्स की एक्सप्लोरेशन के लिए किस तरीके से काम होगा, उसके लिए सरकार HELP हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी को लेकर के आई थी। इस हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग जो है वो एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था। ये एक सिंगल यूनिफॉर्म लाइसेंस है फॉर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ कन्वेंशनल एज वेल एज अनकन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेस। इस ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत एक वन सिंगल यूनिफॉर्म लाइसेंस जो है वो दिया जाता है, यानी कि एक एरिया जो है अगर किसी कंपनी को अलॉट हो जाता है, वहां पर अगर ऑयल की मौजूदगी है, नेचुरल गैस है, कोई भी मिनरल वहां पर मौजूद है, उसकी माइनिंग की ऑथोराइजेशन जो है वो उस कंपनी को मिल जाती है। पहले क्या होता था कि अगर ये ब्लॉक जो है वो ऑयल की माइनिंग के लिए दिया गया, अगर उस जगह पे कोई दूसरा हाइड्रोकार्बन या कोई दूसरा मिनरल निकलता है तो उसके लिए अलग से लाइसेंस लेना पड़ता था कि अब हम इसकी माइनिंग करना चाहते हैं। लेकिन अब इस ओपन एक्रीज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत चाहे अनकन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन हो चाहे अनकन्वेंशनल हो, इसको एक्सप्लोर करने की अथॉरिटी जो है वो एक सिंगल लाइसेंस के तहत कंपनी को मिल जाती है। ये जो ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी है इसके तहत कंपनीज को ये अलाउ किया जाता है, अनुमति दी जाती है कि वो किसी रीजन में ऑयल या गैस के लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोई भी एरिया जहां पे वो चाहते हैं, जहां उनको लगता है कि यहां पे ऑयल हो सकता है, नेचुरल गैस हो सकती है, वो उसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हैं, यानी कि वो अपनी रुचि जाहिर कर सकते हैं कि हम चाहते हैं इस एरिया में माइनिंग जो है वो की जाए। सरकार उस एरिया को सिलेक्ट करती है और फिर उसके लिए बिडिंग की जाती है, बोली लगाई जाती है, जो भी कंपनी सबसे ज्यादा बोली जो है वो लगाती है उनको वो एरिया जो है वो माइनिंग के लिए दे दिया जाता है। ये इस ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत साल में 3 बार जो है वो इस तरीके के प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू किया जाता है। इसमें एक बड़ी एडवांटेज जो है वो कंपनीज को मिली है। अब कंपनीज अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकती थी कौन से एरिया में वो माइनिंग करना चाहते हैं, यानी कि पूरे का पूरा अगर स्ट्रेच है वहां पर, मान लीजिए इस एरिया को जो है वो 6 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, तो कंपनी चाहती है कि हम इस पर्टिकुलर ब्लॉक में माइनिंग करना चाहते हैं तो वो इसके लिए इंटरेस्ट जो है वो शो कर सकती है। जब भी किसी कंपनी का इंटरेस्ट इसमें आता है उसके बाद सरकार जो है वो बिडिंग करेगी, बोली लगाएगी, तो बोली जिसकी हाइएस्ट होगी उस उसको ये ब्लॉक जो है वो दे दिया जाएगा। पहले क्या होता था, पहले सरकार जो है वो डिसाइड करती थी कि क्या इस ब्लॉक में ऑयल एक्सप्लोरेशन होगी, होगी तो कब होगी। अब क्योंकि अगर गवर्नमेंट के तरीके से काम होगा तो हो सकता है उसमें लंबा समय लग जाए, जिस वजह से पोटेंशियल बेनिफिट जो कि किसी भी मिनरल नेचुरल गैस के या ऑयल के मिलने से हो सकता है उसमें लंबा डिले जो है वो हो जाता था। लेकिन अब क्योंकि कंपनी जो है वो अपनी इंटरेस्ट से ब्लॉक जो है एलोकेट करा सकती थी, इससे इजियर तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो कैरी आउट किया जा सकता है और फास्टर कवरेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। पहले हो सकता है एक एरिया में टोटल एक्सप्लोरेशन सरकार द्वारा करने में लंबा समय लग जाए, लेकिन अब बहुत जल्दी इस एरिया को कवर किया जा सकता है इस ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के द्वारा। आई होप हमको ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के बारे में समझ आ गया होगा। बात करेंगे डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की। हमने बात करी कि जैसे ही कंपनी को ऑयल की मौजूदगी का वहां पे पता चला, उन्होंने इस चीज को रिपोर्ट किया डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को। तो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन जो है वो एक रेगुलेटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दायरे में आने वाली एक निकाय है, एक बॉडी है।
जो कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म के साथ काम करती है, रेगुलेट करने का काम है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन वॉज क्रिएटेड टू प्रमोट द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल गैस एंड ऑयल रिसोर्सेज। जहां कहीं भी प्राकृतिक गैस के या कच्चे तेल के संसाधन है, उस जगह को सही ढंग से मैनेज करने के लिए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन जो है वो बनाई गई थी। इनका उद्देश्य है कि जो माइनिंग एक्टिविटी है वो सही ढंग से हो पाए, एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी जो है वो सही ढंग से हो पाए, और इसी के साथ में सेफ्टी, एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो है उनको भी ध्यान में रखा जाए कि अगर माइनिंग हो रही है तो वो सही ढंग से हो, किसी प्रकार का जान या माल का नुकसान ना हो, पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, अर्थव्यवस्था में उससे लाभ हो सके और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए एक्सप्लोरेशन जो है वो की जा सके। ये सारा का सारा दायित्व जो है वो हाइड्रोकार्बन्स के महानिदेशालय डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का होता है। अब राजस्थान को एक और सोर्स जो है वो मिल गया है क्रूड ऑयल का। अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान जो है वो सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का भारत में। भारत के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ क्रूड ऑयल जो है वो राजस्थान है। इट कम्स एट द सेकंड नंबर ही स्टेट जो है, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड 22-23% ऑफ टोटल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। भारत की जितनी कुल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है दैट इज 32 मिलियन मैट्रिक टन्स पर एनम। साल भर में 32 मिलियन मैट्रिक टन्स जो है उत्पादन होता है क्रूड ऑयल का भारत के अंदर, जिसमें से 7 मिलियन मैट्रिक टन्स जो है वो राजस्थान से आता है, और इस वजह से ये भारत के अंदर ऑयल एक्सप्लोरेशन में सेकंड नंबर पर आता है। फर्स्ट नंबर पर बॉम्बे हाई है, ऑफशोर मुंबई में बॉम्बे हाई का इलाका जहां पर रिलायंस आदि की रिफाइनरीज जो है वो मौजूद है, उस वो पहले नंबर पर है जहां पे सबसे ज्यादा पैदावार। करीब 40% जो हिंदुस्तान की क्रूड ऑयल एक्सप्लोरेशन है वो बॉम्बे हाई से होती है। सेकंड नंबर पर राजस्थान जो है वो आता है, और अब राजस्थान को एक नया सोर्स जो है वो मिला है जो कि बाड़मेर जिले में है। आई होप हमको ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। राजस्थान राज्य के अंदर एक नया क्रूड ऑयल सोर्स जो है वो मिला है। दोस्तों राजस्थान राज्य में आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पर आपके लिए अवेलेबल है। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड SHUBH33 का इस्तेमाल जरूर कीजिए। इस कोड की मदद से मैसिव डिस्काउंट्स आप सभी कोर्सेज पर प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।